ज्वालामुखी मंदिर में प्राचीन रघुनाथ लाल शिवालय मंदिर में हर साल की तरह श्रवण महीने के दूसरे सोमवार को 52वां वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में हजारों की तादाद में शिव भक्तों ने भोले शंकर के जयकारे भी लगाए और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। ज्वालामुखी मंदिर में प्राचीन रघुनाथ लाल शिवालय मंदिर में हर साल की तरह श्रावण महीने के दूसरे सोमवार को भी 52वां वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में हजारों की तादाद में शिव भक्तों ने भोले शंकर के जयकारे भी लगाए और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। पुजारी अविनेन्द्र शर्मा ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी श्रवण महीने में शिव महापुराण की कथा भी इस महीने में स्थानीय लोगों को सुनाई जाती है और रामायण पाठ भी लोगों को सुनाया जाता है। इस दिन श्रवण महीने के चौथे सोमवार को महाशिवपुराण व रामायण पाठ की पूर्ण आहुति में सैकड़ों शिव भक्तों ने पूर्ण आहुति डाली और पुण्य का फल प्राप्त किया। सभी भक्तों ने भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि भोले शंकर को सावन महीना अति प्रिय है। इस महीने में भोलेनाथ पर भक्त बिलपत्र, भांग, दूध, दही और धतूरा चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि सावन महीने में जैसे प्रकृति हरी भरी रहती है, वैसे ही सभी भक्तों के घरों में सुख समृद्धि रहे। सभी शिव भक्तों को और ज्वालामुखी निवासियों को आज बहुत बहुत बधाई। आज हम मंदिर श्री लाल शिवालय में 52वां वार्षिक भंडारे का आयोजन करने जा रहे हैं भगवान की कृपा से। और आज हमें भगवान कार्तिक महाराज जी की मूर्ति आयोजन हुआ है और ये जो भंडारा है ये मास के दूसरे तीसरे सोमवार को मनाते हैं। इसमें हम पहले सोमवार से भगवान भोलेनाथ के शिवपुराण और रामायण की कथा का आयोजन करते हैं और आज के दिन शिवपुराण और रामायण की दोनों की प्रांत के बाद में भंडारा शुरू हो चुका है। और मैं सभी भक्तजनों से निवेदन करूंगा कि भंडारे में पहुँचें और भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण करें। ये जो हमारा मंदिर श्री लाल शिवालय का भंडारा है, ये हमारे इस क्षेत्र का सबसे प्राचीन भंडारा है और इसका आयोजन सभी ज्वालामुखी के नगरवासियों के तरफ से किया जाता है और सभी इसमें बढ़कर भाग लेते हैं। और भगवान जो हमारे भोलेनाथ हैं, जिनका नाम लाल शिवालय से पड़ा कि भक्तों को लाभ देने वाले हैं, जिनको भी संतान की इच्छा हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, पुत्र की इच्छा हो, भगवान भोलेनाथ की इच्छा करें, उसकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ हमेशा दरबार